हेलो स्टूडेंट्स, आई वेलकम यू ऑल टू एमएसएस इंग्लिश क्लासेस। आई एम पारुल एंड आई एम बैक विद अनदर टॉपिक, दैट इज अ पोयम एंड द टाइटल ऑफ द पोयम इज अ लेमेंट कंपोज्ड बाय पीबी शैली। दिस पोयम इज फॉर क्लास 12 यूपी बोर्ड स्टूडेंट्स। पीबी शैली इज वन ऑफ द फेमस पोइट्स ऑफ इंग्लैंड एंड ये जो यहाँ पर इनकी डेट ऑफ बर्थ है, आप देख सकते हैं कि कितनी कम एज में इनकी डेथ हो गई थी। ओनली 29 ईयर्स ओल्ड थे जब ये इस दुनिया को छोड़ गए थे। 1792 में बर्थ है और 1822 में इनकी डेथ हो जाती है। फुल नेम है पर्सी बाय सैली और इतनी कम एज में भी इन्होंने बहुत अच्छा वर्क लिखा है। बहुत ही अच्छी पोएम्स हैं जो फीलिंग्स हम उनमें पाते हैं फैक्ट्स की बजाय। ये रोमांटिक एज के पोइट कहलाते हैं जिसमें पोइट्स ने फीलिंग्स विद फीलिंग्स लिखा है, तो ये उन्हीं पोइट्स में से आते हैं। और ये पोयम एक लिरिक है जबकि इसमें एक सैड टोन है। पोइट ने अपने डिसअपॉइंटमेंट को, अपनी जो सफरिंग्स हैं अपनी लाइफ में जो वो फील कर रहे हैं और ऐसा महसूस कर रहे हैं इतनी कम एज में कि अब जैसे वो ओल्ड हो गए हैं और उनका कॉन्फिडेंस बिल्कुल चला गया है और अब वो ज़्यादा दिन जिंदा नहीं रहेंगे। तो इस तरह से ये पोयम फुल ऑफ डिजेक्शन है, उनकी निराशा को शो कर रही है। पैसिमिस्टिक नोट्स से भरी हुई है, एक निराशावादी दृष्टिकोण हम इसमें पाते हैं। लेकिन फिर भी वी कैन से दैट इट इज़ वन ऑफ द फाइनेस्ट लिरिक्स, यानी कि ये पोयम एक लिरिकल क्वालिटी को रखती है। लिरिक क्या होता है? लिरिक मीन्स अ शॉर्ट पोयम दैट इज रिटन और दैट इज कंपोज्ड टू बी संग, जो गाए जाने के लिए लिखी जाती है और एक सिंगल थीम रखती है। तो ऐसी पोयम को जो म्यूजिकल होती है उसे हम लिरिक कहते हैं। सो लेट्स बिगिन विद द पोयम। व्हाट द पोइट सेज, ओ वर्ल्ड ओ लाइफ ओ टाइम ऑन हूज लास्ट स्टेप्स आई क्लाइम, ट्रेवलिंग एट दैट वे हर आई हैड स्टूड बिफोर, व्हेन विल रिटर्न द ग्लोरी ऑफ योर प्राइम, नो मोर ओ नेवर मोर। पॉइंट यहाँ पे कह रहे हैं ओ वर्ल्ड ओ लाइफ ओ टाइम, हे संसार हे जीवन हे समय। यहाँ पे एड्रेस कर रहे हैं, यू कैन सी यहाँ पे जो एक्सक्लेमेशन मार्क लगे हुए हैं तो कौन सा फिगर स्पीच होता है? एपिस्ट्रोफ। तो एपिस्ट्रोफ फिगर ऑफ स्पीच जहाँ ये मार्क लगा होता है और जिसमें किसी पर्सोनिफाइड थिंग को या फिर किसी एबसेंट जो सामने नहीं है उसको संबोधित किया जाता है। तो पोइट यहाँ संबोधित कर रहे हैं एब्स्ट्रैक्ट थिंग्स को, ओ वर्ल्ड ओ लाइफ ओ टाइम, हे संसार हे जीवन हे समय, ऑन हूज लास्ट स्टेप्स आई क्लाइम, जिनके आखिरी पगों पर आखिरी कदमों पर आई क्लाइम। क्लाइम का मीन्स होता है चढ़ना, लेकिन यहाँ इसका मीन्स चढ़ना नहीं, स्टैंड होना है। कि पोइट कह रहे हैं कि मैं अब जीवन के आखिरी इन सबके आखिरी पगों पर खड़ा हुआ हूँ। इट मीन्स वो क्या कहना चाह रहे हैं कि अब उनके उनका जो जीवन है इस दुनिया में वो ज़्यादा दिन का नहीं है, अब कुछ ही दिन बचे हैं उनकी लाइफ के और अब डेथ आने वाली है, वो ऐसा फील कर रहे हैं। और वो कह रहे हैं ट्रेम्बलिंग एट दैट वेयर आई हैड स्टूड बिफोर, ट्रेम्बलिंग मैं कांप रहा हूँ एट दैट उस जगह पर खड़ा होकर, जहाँ मैं खड़ा हूँ उस जगह पर खड़ा होकर मैं कांप रहा हूँ, वेयर आई हैड स्टूड बिफोर, जहाँ मैं पहले खड़ा हुआ करता था, स्ट्रांगली ब्रेवली फर्मली, इट मीन्स बहुत ही दृढ़ता से खड़ा होता था। तो पॉइंट क्या कहना चाह रहे हैं? वो कहना चाह रहे हैं कि जो सफरिंग्स और जिन ट्रबल्स को लाइफ में वो फेस करने की हिम्मत रखते थे, साहस रखते थे, जिन परेशानियों को का सामना करने की, अब वो साहस उनमें नहीं है। अब वो फील कर रहे हैं कि वो बूढ़े हो गए हैं, वो वीक हो गए हैं, उनका कॉन्फिडेंस बिल्कुल नहीं है उनमें। जैसे बुढ़ापे में पैर कांपने लगते हैं, टांगे कांपने लगती हैं, तो बिल्कुल वैसा वो फील कर रहे हैं यहाँ पर। वो कह रहे हैं मैं कांप रहा हूँ उस जगह पर खड़ा होकर, या उस सिचुएशन को, उस स्थिति को सोचकर कि मैं अब उन सभी जो चुनौतियाँ हैं उनका सामना नहीं कर सकता। वैन विल रिटर्न द ग्लोरी ऑफ योर प्राइम, अब वो कह रहे हैं वैन विल रिटर्न, कब लौटेगा वो ग्लोरी ऑफ योर प्राइम। ग्लोरी मीन्स इंजॉयमेंट ऑफ लाइफ, फ्रेशनेस ऑफ लाइफ, जॉय ऑफ लाइफ, लाइफ की ताजगी, लाइफ का उल्लास, कब लौटेगा? और
कौन से समय की बात कर रहे हैं? प्राइम। प्राइम का मीन्स होता है यूथफुल डेज, जवानी के दिन, जो उत्साह से भरे होते हैं, उमंग से भरे होते हैं। तो पोइट पूछ रहे हैं यहाँ पे अपने आप से कि वो जवानी के दिनों का जो उल्लास है, जो फ्रेशनेस है, जो जोय है, वो कब लौटेगा। तो उनके अंदर से आवाज आ रही है, नो मोर, ओ नेवर मोर, कभी नहीं, अब वो कभी वापस नहीं आएगा। पोइट फील्स दैट दोज डेज विल नेवर रिटर्न। ही फील्स हिमसेल्फ वीक एंड हॉपलेस। ही फील्स दैट ही हैज बिकम ओल्ड एंड ही हैज नो कॉन्फिडेंस। ही इज क्वाइट डिसअपॉइंटेड एंड फील्स हिमसेल्फ क्वाइट होपलेस। तो यहाँ पर जो पॉइंट है वो बिल्कुल निराशा को फील कर रहे हैं। और आगे कह रहे हैं, आउट ऑफ द डे एंड नाइट अ जॉय हैज टेकन फ्लाइट, फ्रेश स्प्रिंग एंड समर एंड विंटर होर, मूव माई फेंट हर्ट विद ग्रीफ बट विद डिलाइट, नो मोर ओ नेवर मोर। कह रहे हैं आउट ऑफ डे एंड नाइट, अब वो कह रहे हैं दिन हो या रात, सब कुछ जॉयलेस हो गया है, कुछ भी अब होपफुल नहीं बचा है, वो अब आनंद से रहित हो गए हैं। और जो जॉय था उनकी लाइफ में, जो हैप्पीनेस था, एक उत्साह था, उमंग था, हैज टेकन फ्लाइट, वो कह रहे हैं वो चला गया है, फ्लाइट मतलब उड़ान भर लिया उसने, उड़ गया है वो उनकी लाइफ से जा चुका है। अब वो कह रहे हैं चाहे कोई सा भी मौसम हो, कोई सी भी ऋतु हो, जैसे स्प्रिंग बसंत ऋतु, समर ग्रीष्म ऋतु, विंटर शीत ऋतु, कह रहे चाहे तो बसंत हो। और बसंत कैसा होता है? फ्रेश, फ्रेशनेस देता है सबको, फुल ऑफ फ्लावर्स होता है, वी कैन से ब्लूमिंग सीजन होता है, फूल खिले रहते हैं चारों तरफ, हरे भरे पौधे रहते हैं। तो ऐसा मौसम जो बसंत ऋतु जो सबको फ्रेशनेस देता है, लेकिन पॉइंट को कैसा महसूस करा रहे हैं? पॉइंट कह रहे हैं चाहे बसंत ऋतु हो, चाहे ग्रीष्म ऋतु हो, चाहे विंटर हो, जो हॉर मीन्स व्हाइट फ्रस्ट और फोग, जो पाला होता है सफेद रंग का, या कोहरा जिसे हम कहते हैं, वो यहाँ पे इसका मीनिंग है हॉर का। तो हॉर यानी कि जो विंटर का होर है, जो फॉगी विंटर है कोहरे से भरी हुई, अब ये सब क्या करती हैं? मूव माई फेंट हार्ट, मूव विद ग्रीफ, मूव विद ग्रीफ मीन्स दुख से भर देती हैं मेरे हृदय को। फेंट जो क्या है? जो पहले से ही उदास है, जो पहले से ही होपलेस है और डिजेक्टेड फील करता है। कैसा फील करता है पॉइंट यहाँ पे? कह रहे कि वो चीयरलेस फील करता है, और ये जो मौसम है ये उसको दुख से, उसके हृदय को दुख से भर देता है, बट विद डिलाइट, खुशी के स्थान पर, कि अब उसे इन सब जो ऋतु हैं, जो मौसम है, जिसमें वो कभी अपनी जवानी में अच्छा फील करता था, फ्रेशनेस फील करता था, लेकिन अब उसे सिवाय दुख के और कुछ नहीं मिलता। और जो डिलाइट है, जो खुशी है, वो अब नो मोर ओ नेवर मोर। तो वो कह रहा कि अब वो खुशी अब और उसके जीवन में नहीं आएगी, वो जा चुकी है। पोइट इज क्वाइट डिसअपॉइंटेड, अब वो फील कर रहा है कि अब उसके जीवन में कोई खुशी नहीं आएगी। तो ये पोयम बच्चों फुल ऑफ डिसअपॉइंटमेंट है, राइटर पोइट की उन फीलिंग्स को दिखा रही है जो पैसिमिज्म से भरी हुई हैं। और आप देख सकते हैं यहाँ पर जो फिगर स्पीच है, ऑन हुज लास्ट स्टेप, स्टेप्स जो लाइफ के टाइम के स्टेप्स बताए गए हैं, तो इसको पर्सोनिफाई किया गया है यहाँ पर, तो पर्सोनिफिकेशन है। और इसकी जो राइम स्कीम है वो भी आप समझ लीजिए, टाइम क्लाइम प्राइम। आप देख सकते हैं कौन से जो लास्ट के वर्ड्स हैं वो राइम कर रहे हैं, एक दूसरे से मैच कर रहे हैं, टाइम क्लाइम प्राइम। तो इसको हम राइम स्कीम कैसे निकालेंगे? तो जितने भी वर्ड राइम कर रहे हैं, ये आ आ आ और बिफोर मोर, तो ये बी बी, तो राइम स्कीम क्या बनी? ए ए बी ए बी। तो इस तरह से ये राइम स्कीम है। और इस सेकंड स्टेंजा की भी राइम स्कीम यही है, नाइट फ्लाइट डिलाइट। तो ये जो एक जैसे राइम कर रहे हैं इनको, ए ए ए हॉर मोर, ये बी और बी। तो इस तरह से राइम स्कीम क्या बनेगी? ए बी ए बी। तो इस तरह से ये राइम स्कीम है। और फिगर स्पीच है जो कि आपको पोएटिक नोट में भी लिखने होते हैं। आई होप यू हैव अंडरस्टूड इट वेरी वेल। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।